अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीएम क्रिकेट कोच चैनल के साथ गुलाम रज़ा शेख। आज हम मौजूद हैं डीएचएस जमजमा पार्क में, जहां पर पब्लिक फाउंडेशन स्कूल ने एजुकेशन का एक ज़बरदस्त कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किए, जिसमें तकरीबन बहुत सारे गेम्स रखे हुए गए हुए हैं, जिसमें क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, जिमनास्टिक है, टाइकवांडो है और आर्चरी वगैरह है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा मौका है, बहुत बड़ा मौका है कि प्लेयर्स यहाँ से सीखें, ये बच्चों को कुछ सीखने के लिए, लर्न करने के लिए मौका मिल रहा है। और ये ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं जो बच्चों के लिए सूदमंद हों, एक ही जगह पर इतने सारे इवेंट्स मिला के इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैं मैनेजमेंट और यहाँ के प्लेयर्स और ऑफिशियल से बात करवाता हूँ कि किस हद तक मुतमईन है, और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो किस हद तक इस इवेंट से मुतमईन है। ये बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है DHA जमजमा पार्क में। Assalamu alaikum, this is Fahad Ali Aga, manager sports of Foundation United Soccer Academy, and we are here at the 6th Fuser Summer Sports Camp. फ्यूज़र जो है वो एक फ़ुटबॉल एकेडमी के तौर पे 2014 में शुरू हुआ था, और अब पहली मरतबा फ़ुटबॉल के साथ साथ और भी मुख्तलिफ गेम्स जैसे क्रिकेट, जिमनास्टिक्स और ताइक्वांडो को भी शुरू किया गया है। हमारे 6th समर कैंप में 4 लोकेशंस पे मौजूद हैं, KMC, सिद्दीक मेमन, KDA, और हम यहाँ पे भी DA जमजमा क्लब पे मौजूद हैं। और इसके साथ साथ प्रोफेशनल कोचेस हमने अपने साथ हायर किए हैं, जो कि बच्चों को बेसिक और टेक्निकल ड्रिल्स सिखा रहे हैं। समर कैंप का बेसिकली मकसद होता है कि बच्चों को अवेयरनेस देना स्पोर्ट्स के हवाले से। जैसे आप समझते हैं कि अभी कोविड की वजह से काफ़ी बीच में बच्चों का नुकसान हुआ, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, एकेडमिक्स में नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स और फिज़िकल और मेंटल पे भी हुआ। तो अब बच्चे और पेरेंट्स उनके काफ़ी ईगर हैं कि बच्चों को जो है बाहर निकाले, इस तरह के कैंप्स में उनको पार्टिसिपेट करवाएं। और यहाँ पे डेफिनेटली कोचेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तमाम स्पोर्ट्स में, और इंशाल्लाह ये सिर्फ इनके अभी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, लेकिन आगे जाके जब ये ए लेवल्स और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आई एम वेरी श्योर शाद, मैं जिमनास्टिक कर रही हूँ, कराची लेवल पे मैंने खेला है, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने खेला है। यहाँ पे FPS का समर कैंप लगा है, जिसमें हम लोग जिमनास्टिक सिखाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर हम बच्चों को कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, जिसमें हम फ्लोर करवा रहे हैं, स्प्रिंग बोर्ड करवा रहे हैं, बिम करवा रहे हैं, पैरेलल करवा रहे हैं। इस पर बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, हैंड स्टैंड करवाते हैं, फ्रंट रोल वगैरह करवाते हैं। आप लोग आएँ यहाँ पर, इंशाल्लाह आप लोग इंजॉय करेंगे पूरे तरीके से। बच्चे यहाँ पर आते हैं काफ़ी मुतमईन होकर जाते हैं, इस चीज़ के पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर काफ़ी मुतमईन होकर जाते हैं। ख़ुद वो हमें आके बोलते हैं कि हम जो है काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं उन लोगों को। बाकी है कि नेशनल लेवल पे कोई एकेडमी नहीं है, नेशनल लेवल पे जिमनास्टिक के पूरे इवेंट्स होते हैं, बाकी इंटर यूनिवर्सिटी के लेवल्स पे होते हैं और कराची लेवल पे होते हैं। जिमनास्टिक एक बड़ा गेम है, हमारे जो निचला तबका है वहाँ पर इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि एटलीस्ट हर इलाके में एक एक जिमनेजियम ओपन करे, क्योंकि जो हमारा टैलेंट होता है वो निचले तबके से ज़्यादा उठता है। इस वजह से हमारी हुकूमत को चाहिए कि एक एक जिमनेजियम एटलीस्ट वहाँ पर ओपन करे, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, वो देखें कि यहाँ पर गेम हो रहा है और वो उससे इंट्रोड्यूस्ड हों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुफैल अली ज़ुबैदी है, ये मेरा बेटा अब्दुर्राफ़िज़ ज़ुबैदी है। हमने यहाँ पर इस स्पोर्ट्स कैंप में एक एडमिशन लिया, बेटे को दिलवाया, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी हैप्पी। ये पहली दफ़ा क्रिकेट खेल रहा है और बहुत इम्प्रूवमेंट आई, और वी आर वेरी हैप्पी विद द कोच एंड द स्कूल। और हम ये चाहते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती रहनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। स्पोर्ट्स जो है वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बच्चों की इम्प्रूवमेंट भी है। ये दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो उनके साथ भी इसकी अच्छी एक सोशल बिहेवियर और सारे मामलात जो हैं वो सेट होते हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड वी रियली थैंक यू स्पेशली द कोच, जिन्होंने हमारे बच्चे पे खासी मेहनत की है, और शेख साहब, ऑल हैट्स टू यू सर।